एम्स्टरडेम सेंट्रल। आप जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई चर्च या कोई फेमस अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है, ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है। और इतनी अच्छी बिल्डिंग है ये, लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और अभी हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे और नियर बाई एरियाज घूमेंगे एम्स्टरडेम के। वैसे हम एम्स्टरडेम बहुत बार आए हुए हैं, लेकिन हम किसी काम से आए थे, तो एम्स्टरडेम इज़ लाइक जितना घूमो उतना कम है, तो आज फिर से घूमते हैं एम्स्टरडेम। वेल नोन एंड फेमस फॉर कैनाल, लाइक एम्स्टरडेम को सिटी ऑफ कैनाल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर जो ये कैनाल्स हैं सेंट्रल से पूरे थ्रू आउट द स्क्वायर ये कैनाल्स जा रहे हैं, और अभी हम उन्हीं कैनाल्स पे खड़े हैं और इन्हीं कैनाल्स को फॉलो करते हुए घूमेंगे थ्रू द अदर स्ट्रीट्स। और यहाँ पे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बोटिंग वगैरह भी होती है, इवनिंग में ज़्यादा होती है, और लाइक कवर्ड बोटिंग है, ओपन बोटिंग है, आप अपना पर्सनल बोट कर सकते हो, उसमें आपके साथ में गाइड होगा जो आपको हेल्प करेगा। और आप कायाकिंग भी कर सकते हैं, कायाकिंग इज़ लाइक आपको खुद की पर्सनल बोट मिल जाएगी, उसमें बैठ के आप उसे एक्सप्लोर पूरा एक मैप फॉलो कर सकते हैं जाने के लिए। और यहाँ पर आज जैसे कि अभी सनी डे है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, सब लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। नॉर्मली अदरवाइज इवनिंग में ज़्यादा क्राउड होता है, और इवनिंग में नाइट में यहाँ पर, क्योंकि नाइट लाइफ एम्स्टरडेम में नाइट लाइफ मतलब है, जो यहाँ के लोग हैं इन्जॉय करते हैं, पब्स वगैरह हैं यहाँ पर सेंट्रल में। नॉर्मली यहाँ पर नाइट कल्चर नहीं है, बट एम्स्टरडेम इज़ लाइक यहाँ पर नाइट पार्टीज, नाइट कल्चर है, और नाइट आउट वगैरह के लिए। अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये घर कितने क्लोज घर बने हुए हैं, मतलब मल्टी कलर घर है, और बिल्कुल पानी मतलब में बने हुए हैं। इधर से इनका एंट्री एग्जिट भी नहीं है, अपोजिट साइड है रोड, बट इधर से आप देखेंगे तो पूरा नीचे पानी में आए हुए हैं, और नीचे बोट चल रही है, और अपने विंडो से क्या व्यू है ना, क्या इंजॉय करते होंगे ना ये लोग अपने घर से, इतना अच्छा कि आप पानी चल रहा है, बोट्स चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा तो हमेशा चलती है, और कितना मतलब लवली सा वेदर। लोग घूमने जाते हैं इधर उधर, और इन लोगों को तो अपने घर से इतना अच्छा व्यू आता होगा कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सो अभी हम बैठे हैं कैनाल के साइड में रेस्टोरेंट पर, भूख लगी है बहुत तेज, खाते हैं पिज्जा, और हमने ऑर्डर किया है पिज्जा। ऑब्वियसली यहाँ के पिज्ज़ा का टेस्ट इंडिया के पिज्ज़ा जैसा नहीं होता है, बट स्टिल लाइक कुछ खाना है तो लेट्स ट्राई वेजिटेरियन में वेजिटेरियन पिज्ज़ा मार्गरेटा, क्योंकि ज़्यादा वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन होते नहीं है, तो जो होते हैं उन्हीं में काम चलाना पड़ता है। एम्स्टरडेम स्ट्रीट्स ऑलवेज टू क्राउडेड, यहाँ पर हमेशा ही इतना क्राउड, और अभी तो वैसे भी आज सनी डे है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही लोग दिखने हैं। एंड इट्स द फेमस फ्राइज, एम्स्टरडेम फेमस फ्राइज, मैनिकन फिश, और हम भी सोच रहे हैं कि ले लें, और लगना पड़ेगा क्यू में। देख रहे हैं आप कितनी लंबी क्यू है, यहाँ तक क्यू बनी हुई है, और शलभ लग गए हैं और हम लेने वाले हैं। शलभ क्या लेंगे? तो अभी हम आ गए हैं घूमते घूमते पूरी स्ट्रीट, ये है डैम स्क्वायर एम्स्टरडेम, डैम स्क्वायर, और यहाँ पर ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जो पीछे आप देख रहे हैं, पूरा गोल्डन वर्क हो रहा है। यहाँ पर कुछ स्टेज भी लगा हुआ है, मे बी कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, या तो इवनिंग में हो या मे बी कल हो, तो
तो पूरा उस तरह से प्रिपरेशन हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो, और ऊपर से ये शॉपिंग स्ट्रीट है इसके अपोजिट में जाके पूरा। तो ये जो है यहाँ पर मतलब पूरा आपको सारी ब्रांड्स मिल जाएंगी, सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं अगर शॉपिंग करनी है यहाँ पर सेंट्रल स्क्वायर में। और यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, जैसे कुछ भी इवेंट होता रहता है, और ये हमेशा ही आपको क्राउडेड मिलेगा, ये प्लेस हमेशा क्राउडेड रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट है सिटी का, एम्स्टर्डम का। और आप लोग जैसे मेरे पीछे भी बिल्डिंग्स देख ही रहे हैं, तो मतलब देख के भी इन्हें थोड़ी ओल्ड फीलिंग आती है, लाइक ओल्ड एम्स्टर्डम भी बोलते हैं इसे। ये जो ह्यूमन बीइंग है इनकी हाइट थी 272 सेंटीमीटर, इनका नेम है आर वाइडलो, और ये एक रियल मैन थे जिनकी हाइट इतनी बड़ी थी। इन्होंने यहाँ पर एक लाइक म्यूजियम टाइप से बना रखा है, अंदर और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये है, देखो आप हाइट देखो, और ये लाइक एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ही को देख रहे हैं। Come with your shoes. They're too heavy. Too heavy. तो अभी हम हैं कैनाल्स के पास खड़े हैं, और ये देख रहे हैं आप पीछे बोट चल रही है, लाइक ओपन बोट है ये, और ये ऐसी होती है कि आप इसमें लंच मिलता है, आप ड्रिंक कर सकते हो, लाइक वाइन बियर सब कुछ इसमें चलते फिरते, और चलता फिरता रेस्टोरेंट, बोट रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम यहाँ पे साइड में, और आज ये धूप निकली हुई है तो और भी अच्छा। और जैसे आप देख रहे हैं साइकिल, तो एम्स्टर्डम तो फेमस है साइकिल्स के लिए, आपको ऐसी साइकिल्स मिलेंगी, सब लोग साइकिल्स पे घूमते मिलेंगे, बाकी आपको खड़ी हुई मिलेंगी, और आप रेंट भी कर सकते हो साइकिल यहाँ पे, और साइकिल रेंट करके आप इधर उधर घूम सकते हो, पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो साइकिल से। हमारा भी प्लान था कि हम साइकिल रेंट करें और उससे घूमें, अभी तक हमने नहीं लिया, देखते हैं कि अगर चेंज हो गया तो साइकिल ही लेंगे और फिर घूमेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा चेयर्स, पूरा वाइन और ये सब ड्रिंक्स चल रही हैं, पूरा रेस्टोरेंट चल रहा है बोट में, और टेबल चेयर सब कुछ है, यही तो एम्स्टर्डम का मजा है। और ये एम्स्टर्डम का हाँ फेमस यही है। ये है एम्स्टर्डम की छोटी छोटी गलियां, बड़ी एग्जॉस्टेड सी हैं, और इसी से हम घूम रहे हैं अंदर, अच्छा लग रहा है।